हमारे नरेंद्र मोदी पीएम भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं गरीबों के साथ। अखिलेश की सरकार चाहते हैं, योगी और मोदी दो ही आएंगे। जब से योगी जी की सरकार आई है बहुत करप्शन है। मैं योगी बुराई नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की जो जनता है वो क्या सोचती है और ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दरमियान वो किसकी सरकार चाहती है, ऐसे में मैं इस बार आ पहुंचा हूं गौतम बुद्ध नगर जिले, जो कि उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला है, नोएडा विधानसभा में। और ये आप देख सकते हैं, ये बोटानिकल गार्डन ई रिक्शा स्टैंड है और यहाँ पर ये जो लोग हैं इनका क्या कुछ कहना है और इस बार उत्तर प्रदेश में ये किसकी सरकार चाहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये देखिए, तमाम डेली कमाने और डेली खाने वाले लोग हैं, गरीब तबका है और उत्तर प्रदेश में इस बार गरीब तबका किस और जाने वाला है ये आइए जानते हैं। क्या नाम है? गोपाल। गोपाल, गोपाल यहाँ कहाँ रहते हैं? जी, न्यू अशोकनगर दिल्ली। न्यू अशोकनगर, यानी कि उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है? नहीं, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हूँ। अच्छा, बुलंदशहर यानी कि पश्चिमांचल से, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बुलंदशहर के वोटर हैं। जी, इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश? बीजेपी। बीजेपी की सरकार बनाने के पीछे कोई खास वजह है? जी सर, जो 60-70 सालों से अयोध्या राम मंदिर का जो वो चल रहा था वो उन्होंने करा दिया पूरा, और क्राइम कम कर दिए इन्होंने, और बहुत सारे मसले हैं, धारा 370 हटा दी कश्मीर से, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू सिंह है और मैं बिहार से हूँ, काफ़ी समय से रह रहा हूँ यहाँ पे, शायद बचपन से रह रहा हूँ। सारी बात तो ये है कि कोई भी सर तो वोटर उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ, इस बार किसकी सरकार? इस बार तो वैसे अखिलेश की होनी चाहिए। अखिलेश की सरकार बनाने के पीछे कोई खास वजह? खास वजह तो कुछ नहीं है, पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है, पहले भी देश सुरक्षित था और अब से ज़्यादा सुरक्षित था। पहले लोग भूखा नहीं मरते थे, अब भूखा मर रहे हैं, कई लोग तो अपाहिज बन के भीख मांग रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी देश की कमी है गरीबी। गरीबी जिस दिन हट जाएगी ना, देश पहुंच जाएगा कहीं और। डेवलप करने से नहीं होता, जब पेट खाली रहेगा ना तब इंसान काम करेगा, ये शौचालय बनाकर। नहीं नहीं, अखिलेश की सरकार बनाने के पीछे कोई खास वजह? खास वजह कुछ नहीं, जो आया कोई भी आया अच्छा काम करे बस। खास वजह तो हमारे नरेंद्र मोदी पीएम भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं गरीबों के साथ। तो ये ई रिक्शा चालक हैं और इनका कहना है कि चाहे सरकार किसी की भी आए लेकिन काम करना चाहिए। हालांकि इन्होंने कहा कि इस बार ये उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? हाँ जी। उत्तर प्रदेश के वोटर हैं? हाँ जी। उत्तर प्रदेश में इस बार क्या बदलाव चाहते हैं या किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश की सरकार चाहते हैं। अखिलेश की सरकार? हाँ जी। अखिलेश की सरकार किस लिए, आखिर कोई खास वजह? खास वजह है बेरोजगारी कम रहती है। बेरोजगारी मतलब इस टाइम फिलहाल चरम पर है? तो बहुत ज्यादा है, अभी लोग मर रहे हैं भूख से, लोग मर रहे हैं भूख से, पर सरकार को कोई चिंता नहीं है इस बात की। हाँ जी, तो मतलब इस बार अखिलेश की सरकार आप बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में बदलाव? हाँ, बदलाव चाहते हैं, इस बार अखिलेश ही जीतेगा। तो ये सरफराज हैं और सरफराज का कहना है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। और ऐसे में सर कहाँ रहते हैं? मैं सर गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जफीर खान है। सर, जब अखिलेश की सरकार थी तो बहुत अच्छा हम लोग चल रहे थे, जब से योगी जी की सरकार आई है, राशन जाओ लाने के लिए तो कहते अगले महीने देंगे, पीछे महीने का खा जाते हैं। हम लोग क्या करें, कमाते 200-400 रुपए कमाते, घर चलाए, या महंगाई इतनी आ गई। सरकार किसकी चाहते हैं? अखिलेश की सरकार चाहते हैं सर जी। आखिरकार अखिलेश की सरकार किस लिए, कि मतलब क्या कोई कुछ? इनके टाइम में महंगाई बहुत कम थी, करप्शन बहुत कम था। अभी अभी देखो, इन जब से योगी जी की सरकार आई है बहुत करप्शन है, राशन से लेके कहीं भी जाओ भ्रष्टाचार है। एक बात, मतलब भ्रष्टाचार कुल मिला के चरम? जी जी जी, पूरा 100 का 100। अगर हमें नंबर दिया जाए इनकी सरकार में तो मैं 0 नंबर भी नहीं दूँ। आप कहाँ के रहने वाले? मैं सर अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यानी कि फैजाबाद जिला। जी जी बिल्कुल, जो कि अब अयोध्या में आ चुका है। जी बिल्कुल, आ चुका है सर। क्या नाम है आप? मेरा नाम संदीप है। संदीप, उत्तर प्रदेश में आपने सुना कि लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जी सर, आप आज की जनरेशन है और आज की जनरेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों? सर, मैं सरकार तो चाहूँगा फिलहाल योगी की ही, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि महंगाई और भ्रष्टाचार और शिक्षा और हॉस्पिटल की चीज़ें, इन सब चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, खास करके
भ्रष्टाचार और रोजगार लाने की भी ज़रूरत है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को भी बहुत सुधारने की ज़रूरत है। एक बात समझाइए कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार भी चरम पर है, शिक्षा में जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, तो आखिरकार सारी कमियां भी आप बता रहे हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चाहते हैं, ऐसा क्यों? फिलहाल के लिए सर पहले भी ये था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, ये पहले वाली सरकार में भी था, इस वाली सरकार में भी है, लेकिन इसको सुधारने की ज़रूरत है। पहले वाली सरकार थी, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर राजनीति होती थी, बट इस समय ऐसा है कि उस पर राजनीति नहीं हो रही है और उसको सॉल्व कर दिया गया है इस सरकार में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने किया है ठोस काम किया है, और जो अब ये नेक्स्ट सरकार इनकी बने और जो करें वो भी ठोस ही रहे, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इन और बेरोजगार, मतलब कोई खास वजह नहीं है, सारी कमियां सरकार में हैं, लेकिन आएगा तो योगी ही। जी हाँ ऐसा भी है सर, फिलहाल कमियों की बात करें कमियां भी है। देखिए ये कह रहे हैं कि मतलब सारी कमियां हमें, संदीप उत्तर प्रदेश अयोध्या के रहने वाले हैं और कह रहे हैं कि कमियां सारी हैं लेकिन आएगा तो योगी ही। बहरहाल फिर आगे बढ़ते हैं, क्या नाम है सर? जी सर मेरा विद्याराम नाम है। विद्याराम, विद्याराम कहाँ के रहने वाले? जिला संभल। संभल यानी कि यूपी के वोटर हैं। हाँ जी। तो इस बार ठोक के वोट पड़ेगा? जी सर मैं योगी की बुराई नहीं कर सकता। नहीं आप योगी की बुराई नहीं कर सकते, तो जब से जीता हमारे लिए जहाँ तक जो भी कुछ किया सही भी किया अभी तक, बेशक जो भी कुछ हो रहा है महंगाई है कुछ भी है, लेकिन महंगाई जैसे वो दे भी रहा है हम लोगों को, हमें सारा कुछ मिला है। तो योगी की सरकार मतलब क्या कुछ खास वजह कुछ मतलब, या बस ऐसे ही कि कमियां सारी हैं और लेकिन आएगा तो? कमी बताई नहीं रहे साहब उनकी, तो हम तो ये कह रहे हैं वापस वो, यह सही बात है। नहीं तो वापसी का कोई खास मुद्दा कोई खास वजह? हाँ सही किया जी उसने, अभी तक हमारे गांव में सबके खाते में पैसे से लेके हर बात से राशन उसने सारा कुछ मिल रहा है टाइम से, मतलब कुल मिला के सारा कुछ हो रहा है सब कुछ। आप आएगा तो योगी? हाँ जी। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीटू है। टीटू कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बुलंदशहर का। बुलंदशहर यानी कि पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं। कहा जाता है कि इस बार जो पश्चिमांचल है वो योगी सरकार से खासा नाराज हैं, और ऐसे में यहाँ तमाम तरीके के लोग हैं, लोग कहते हैं कि आएगा तो योगी ही, और कुछ लोगों का ये कहना है कि आएगा तो समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव। आप इस बार उत्तर प्रदेश में क्या चाहते हैं? योगी को चाहते हैं। योगी को, कोई खास वजह? पूरे काम उन्हीं ने, हर काम अच्छे करे हैं। अच्छा ऐसा कौन सा काम कर दिया अभी तक को, तो मुझे कोई समझा नहीं सका, आप समझा दीजिए। सबसे पहले तो गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, और कोई नेतागर्दी वैसी नहीं है, गुंडागर्दी जरा कोई किसी सोच से भारत डायरेक्ट बात होती है और सुनवाई सबकी होती है। यूपी की पुलिस भी अपने आप, कहा जाए कि आपकी डायरेक्ट पकड़ा भी योगी जी से, योगी और मोदी दो ही आएंगे डायरेक्ट पकड़ है। तो अब इस बार इसी चक्कर में अब आप उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार लाने? हाँ योगी की है। अखिलेश के बारे में कहा जाए तो क्या? के बारे में हमारी राय नहीं है। आपकी राय नहीं है, कुछ कहना चाहते हैं अखिलेश के बारे में? नहीं कुछ नहीं कहना चाहते, बुराई किसी की नहीं। तो ये अपने जमाने में उसने भी कराया। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं नोएडा विधानसभा पे हूँ यानी कि बोटानिकल गार्डन पे नोएडा सेक्टर 37 पर, और ऐसे में एक मेरे साथ और हैं यहाँ पर। इन लोगों से क्या कुछ इन लोगों का कहना है कि ठेकेदार हैं स्टैंड के, रिक्शा स्टैंड के कहा जाता है कि ये ठेकेदार हैं ऐसा कहा जाता है, और इनका क्या कुछ कहना है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर, उत्तर प्रदेश में ये किसकी सरकार चाहते हैं, और आखिरकार किसको इस बार की सरकार ये उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं? सर क्या नाम है आप? धर्मेंद्र। सॉरी धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के, यानी कि ये कहा जा सकता है कि वोटर यूपी के हैं, और इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? जिसकी वजह आई नहीं, किसी की तो आप चाहते होंगे ना? सब बराबर है, चाहे योगी हो चाहे अखिलेश हो, सब बराबर है। मतलब आपको सिर्फ मोहर मारनी है, वोट देना है, चाहे सरकार किसी से मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता है, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव करने के मूड में है। कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी वो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, हालांकि कई लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनाया, 370 पर काम किया, उत्तर प्रदेश में गुंडाराज पर लगाम लगाया, ऐसे में इन लोगों का कहना है कि वो लोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दरमियान किसको सत्ता पर काबिज करती है, और अगली सरकार का जो राजा होगा उत्तर प्रदेश का वो कौन होगा। नोएडा से कैमरामैन रोहित के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज। हमारे नरेंद्र मोदी पीएम भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं गरीबों के साथ। अखिलेश की सरकार चाहते हैं। योगी और मोदी
दो ही आएंगे। जब से योगी जी की सरकार आई है बहुत करप्शन है। मैं योगी बुराई नहीं कर सकता।